हेलो गाइस, आप यहां देख सकते हैं कि 10/8/2021 को यह विज्ञप्ति जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। और यहां पे अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन के पद पे सीधी भर्ती होनी है। फायरमैन की बात की जाए तो कुल पद 600 हैं और अग्निशमन अधिकारी की बात की जाए तो कुल पद 29 हैं। आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया उसका भी आप यहाँ डेट देख सकते हैं, यानी कि 10/8 आज की डेट में ये विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन भरा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो वेबसाइट आपको दे रखा है कि राजस्थान की गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ से आपको जाके अप्लाई करना है। आगे बात की जाए तो परीक्षा शुल्क जो है वो है आपका 450 है, ST/ST के लिए, बाकी कैंडिडेट के लिए जो EWS के हैं उनके लिए 350 है। लेकिन जो राजस्थान के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और जो ST/ST के हैं उनके लिए 250 फी रखी गई है। आगे बात की जाए तो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता देख ली जाए तो जो अग्निशमन अधिकारी हैं उनके लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक एवं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम या फिर केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों द्वारा संचालित कोई भी समकक्ष पाठ्यक्रम होना चाहिए। और देवनागरी लिपि में आपको हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। फायरमैन की बात की जाए तो 10+2 आपके पास होना चाहिए और प्लस 6 माह का यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण मांग रखा है या फिर समकक्ष किसी भी संस्थान द्वारा संचालित, न्यूनतम 6 माह यानी कि मिनिमम 6 मंथ्स की आपकी ड्यूरेशन की आपकी बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे यहाँ पे बात की जाए शारीरिक जो दक्षता परीक्षण है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर है, महिला के लिए 152 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है, भार मेल के लिए 50 दिया हुआ है, महिला के लिए 47.50 47.50 किलोग्राम है, अनुसूचित के लिए 50 किलोग्राम है, सीने का जो घेरा है वो 81 दिया है। और एज की बात की जाए तो 18 से 40 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 से 40 आपको एज यहाँ पे दे रखा है कि 18 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको अगर आप आरक्षण में आते हैं जो OBC को मिलता है ST/ST को है तो उसमें अगर आप आते हैं तो भी आपको छूट दी जाएगी। दोस्तों अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, वैसे 18 अगस्त से ये फॉर्म भरा जाएगा और 16 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा, तो आप इसके बीच में फॉर्म भर सकते हैं, लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको रिलेवेंट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल।